गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, इन गिवन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, यानी कि हमें टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर आपको गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज़ द सिंबल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्यू और आर के लिए एच बी पी सेम ऐसे ही रहते हैं। अगर आपका ऊपर वाला एंगल के लिए पूछ रहा है कोई भी साइन कॉस टेन, तो इसके लिए क्या होगा, आपका हाइपोटेनियस सेम एज इट इज़ रहता है, सिर्फ ये चेंज होते हैं, बेस इधर पहुंच जाएगा और परपेंडिकुलर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप बेस इसको मानेंगे और परपेंडिकुलर आप इसको मानेंगे, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले एंगल के लिए। अब चेक करते हैं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, यानी कि ये 90 डिग्री का, क्यू बीच में जो होता है वो आपका 90 डिग्री हो गया। हमें फाइंड करना है टेन पी, तो सबसे पहले हम क्या है इसकी वैल्यू निकालेंगे क्यू आर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें ये निकालना है, पहले सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ऑलवेज हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है आपका 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें पता नहीं है, ये आपका क्यू आर लिख सकते हैं हम इसकी जगह, ठीक है। 13 का स्क्वायर, 13 की 13 से करेंगे 169, 12 की 12 से करेंगे 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको इधर ले जाएंगे आप, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है इधर को, तो 25, और 25 किसका आ गया, 5, तो इसका मतलब हमारा बेस कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक। अब क्यू आर आपका 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले सबसे पहले टेन पी निकालिए, क्या निकालते हैं हम, टेन पी, वैल्यू ऑफ टेन पी। तो टेन होता किसके, आप ये देख लीजिए, मैंने आपको समझाया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो ये वाला होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। हमें टेन निकालना है, लेकिन आप देखिए टेन पी है, पहले तो टेन देख लीजिए, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ लिख लीजिए पी अपॉन बी, यानी कि अपनी नॉलेज के लिए रखेगा पी अपॉन बी। वैसे तो आप इसको पी, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो पहले आप देखिए पी परपेंडिकुलर, आप देखिए ऊपर वाला एंगल है पी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा, तो ये है क्या क्यू आर, और बेस, अब बेस बस ये समझिए ये इंटरचेंज होगा, तो बेस आपका ये हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। तो आप लिख दीजिए ये 5/12, तो 10p आ गया आपका इस तरीके से। और आपको एक चीज़ और निकालनी है, कॉट आर, क्या निकालना है कॉट आर। तो आर क्या है, आर देखिए आर तो यहीं पे नीचे बेस में है ना दोनों, तो कॉट का देखिए वैल्यू क्या होती है, पहले देखिए टेन का अपोजिट कॉट होता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉस का क्या होता है सेक होता है, और साइन का कॉसेक, ठीक। तो हमें कॉट निकालना है, तो कॉट का मतलब इसका अपोजिट करते बेस अपॉन पी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस आप देखिए, बेस क्या है इसमें, ये बेस है, क्योंकि नीचे वाले के लिए सेम ऐसे रहते हैं, बेस ऐसे रहेगा, तो बेस है आपका 5, तो यानी कि 5/12 कितना है आपका 12, 5/12, ठीक। बस हमें ये फाइंड करना था, अब इसके बाद आप निकाल सकते हैं, क्या निकालना था हमें, टेन पी माइनस कॉट आर, सो द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 5/12, माइनस कॉट आर की कितनी है 5/12, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 0, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। इसमें क्या दे रखा है आपको कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4,
कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए, हमें कॉज ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ए दे रखा है आपको, तो साइन ए आपका क्या है यहाँ पर 3/4। आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप ये जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था पी पंडित बद्रीनाथ बी प्रसाद पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, आपको साइन दे रखा है तो साइन शुरू वाला होता है यानी कि साइन, साइन का क्या होगा पी अपॉन एच, यहाँ लिख दीजिए आप पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 3 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है आपको 4। तो हमें कॉज ए और टेन ए के लिए हमें नीचे वाले की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फीड करते हैं, हाइपोटेनस आपका 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर, और बेस हमें नहीं पता है जिसको हमें फाइंड करना है। 4 जा 16, 3 जा 9, जब हम 9 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये बेस का स्क्वायर, तो आपका बेस का स्क्वायर कितना बचेगा 16 में से 9 गया तो 7, या आप बेस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं रूट 7। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू जो आई है आपकी रूट 7 आई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब हमें तीनों वैल्यू पता है, अब आप निकाल लीजिए कॉज ए निकालना है, क्या निकालना है कॉज ए। कॉज ए होता क्या है आपका, कॉज होता है सेकंड वाला और थर्ड वाला होता है टेन का, तो कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, और हाइपोटेनस है आपका ए सी। तो देखिए बेस कितना है आपका रूट 7 और हाइपोटेनस 4, तो रूट 7 अपॉन 4 आपका जो है कॉज ए की वैल्यू आएगी। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है टेन ए, अब आप देखिए इधर टेन किसका होता है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी अपॉन बी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको और अच्छा लिख सकते हैं, पी क्या है आपका परपेंडिकुलर है आपका बी सी, तो इसकी जगह बी सी लिख सकते हैं, और बेस है आपका ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है आपका ए बी रूट 7, तो आपकी इस तरीके से टेन ए की वैल्यू आ गई। तो हमें टेन कॉज ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी थी जो आपकी इस तरीके से आएगी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3। गिवन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए, ओके। तो सबसे पहले देखिए 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या जाएगा कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 8 ऊपर ऑफ 15 डिवाइड में आ जाएगा नीचे, तो यानी कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब आप देखिए मैंने फिर बता दे रहा हूँ आपको कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, इसको ध्यान रखिएगा, आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, ये साइन का था, ये कॉस का था, और ये आपका टेन का। मैंने इनके अपोजिट बताए थे, टेन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का होता है सेक, और साइन का होता है कॉसिक। तो हमें कॉट देखना है, तो कॉट इसका अपोजिट देखना है बी अपॉन पी, क्या जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। यानी कि आपको बेस दे रखा है 8 और परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 15। अब हमें क्या करना होगा, हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू द परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका 15 का स्क्वायर और बेस है आपका 8 का स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या करना है, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जाएगा 225 और 8 की 8 से करेंगे तो 64, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो 5 और 4 हो गया आपका 9, 6 और 2 हो गया आपका 8 और 2 ऐसे एज इट इज जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर आपका क्या आया 289 और ए सी इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये स्क्वायर जो है कन्वर्ट हो जाएगा रूट में 289। अब 289 का आप रूट निकालेंगे तो वो किसका आएगा 17 का, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो है हाइपोटेनस है 17। बस आपका क्वेश्चन हो गया, क्या करना है आपको वैल्यू लगाना है साइन ए, तो साइन ए होता है आपका देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
पी अपॉन एच। आपका परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनस हम लोगों ने निकाला था 17। तो इस तरीके से साइन आ गया। सेम ऐसी सेक, अब आप देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो यानी कि सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस डायग्राम में देखिए कितना है, 17 और बेस है आपका 8। इस तरीके से साइन ए और सेक ए का आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।